श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बच्चों अपना चल रहा है एबीएसटी फर्स्ट, जिसमें अपन बात कर रहे थे निगम लेखांकन की। और अपना टॉपिक चल रहा है बच्चों ऋण पत्रों का शोधन। तो देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था ऋण पत्रों का शोधन हम जब करते हैं तो आपको कई सारी विधियां बताई थी बच्चों। उन विधियों में सबसे पहली विधि आती है एकमुश्त भुगतान द्वारा, वार्षिक किस्तों में, खुले बाजार से क्रय द्वारा, अंशों व ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा। अब हम इसमें ऋण पत्रों का शोधन पढ़ रहे हैं बच्चों। सबसे पहले पूंजी में से शोधन, यानी संस्था के पास जो उपलब्ध धनराशि होती है बच्चों, और जब वो अधिक हो जाती है तो वो उसमें से शोधन कर सकते हैं। तो जब ऋण पत्रों का शोधन अपन संचय खाते के अधिक के खाते से करते हैं तो आपने देखा होगा बच्चों कि शोधन तीन तरीके से करते हैं। पहला सममूल्य पर शोधन, सममूल्य पर शोधन यानी एट पार पे जब हम लौटाएंगे बच्चों तो देखिए जो वस्तु हमारे पास वापस आ रही है वो डेबिट हो जाएगी। तो कंपनी के पास क्या आ रही है बच्चों, ये कंपनी की पुस्तकों में कर रहे हैं, तो कंपनी के पास क्या आ रहा है, डिबेंचर। और कंपनी क्या लौटा रही है बच्चों, पैसा। तो पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट बीइंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बीइंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। चाहो तो आगे लिख सकते हो बच्चों एट पार यानी सम मूल्य पर लौटा दिया। इसी में दूसरा आता है बच्चों किस पर शोधन करें, प्रीमियम पर शोधन। प्रीमियम पर शोधन का मतलब होता है बच्चों अंकित मूल्य से ज़्यादा धनराशि लौटाना। जब अंकित मूल्य जो है उससे अधिक राशि लौटाएंगे बच्चों तो कंपनी को नुकसान होगा, और वो नुकसान हमेशा आप सब जानते हैं बच्चों लॉसेज आर ऑलवेज डेबिट, यानी नुकसान को हम डेबिट करेंगे। तो जो वस्तु कंपनी के पास आती है वो डेबिट करेंगे बच्चों। तो डिबेंचर अकाउंट को तो क्या करेंगे, डेबिट। और जो राशि ज़्यादा लौटा रहे हो वो लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, यानी किस पे लौटा दिया बच्चों हमने, प्रीमियम पे लौटा दिया। और इस प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो कोशिश करना सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसा हो तो वहाँ से निकालें, सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं हो तो पी एंड एल से, या जिसको अपन सरप्लस बोलते हैं बच्चों वहाँ से निकालो, या जनरल रिजर्व से पैसा निकालेंगे। और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बीइंग प्रीमियम प्रोवाइडेड, यानी प्रीमियम की व्यवस्था कर दी। तो देखिए बच्चों पूंजी में से शोधन होगा तो या तो सममूल्य पर होगा, तो सममूल्य पे कर रहे हैं तो जो वस्तु आ रही है वो डेबिट कर दीजिए बच्चों। तो क्या आ रहा है हमारे पास, डिबेंचर आ रहा है कंपनी के पास, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रीमियम पे कर रहे हो तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन लिखेंगे बच्चों बीइंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। और ये जो प्रीमियम अपन ने लौटाया बच्चों इसकी व्यवस्था करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, या पी एंड एल या सरप्लस जो बोलते हैं, या जनरल रिजर्व से, और किस खाते में डालोगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर
बीइंग प्रीमियम प्रोवाइडेड, तीसरा आता है बट्टे पर शोधन, बट्टे पर शोधन करेंगे बच्चों तो जो वस्तु आ रही है वो तो कंपनी डेबिट करेगी, तो कंपनी वापस क्या ले रही है बच्चों, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो डिस्काउंट का पैसा है वो बच्चों किस नाम से लिखोगे, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी ये कौन सी राशि होगी, बट्टे की राशि, यानी जो कम पैसा चुकाया ना आपने वो राशि को किस में डाल दोगे बेटा, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बीइंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, और ये जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों इसको हम बंद कर देंगे, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यानी ये पूंजीगत लाभ होता है बच्चों, तो कहाँ पर डालेंगे इसको हम, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो आपने देखा बच्चों समूल्य पर तो एक ही एंट्री होती है, प्रीमियम पे ज़्यादा पैसा उठा रहे हो तो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करोगे या पीएनएल से या जनरल रिजर्व से, और अगर बट्टे पर शोधन हो रहा है तो कंपनी को फ़ायदा होता है बच्चों, और लाभ जो फ़ायदा हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है वो हमेशा क्रेडिट होगा, किस नाम से होगा बच्चों, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी ये बट्टे की राशि, और जो चुका रहे हैं वो बैंक में, और डिबेंचर में हमेशा समूल्य की राशि लिखेंगे बच्चों, और ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको बंद कर देंगे, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व से बंद कर देंगे। तो कंपनी अधिनियम की धारा बच्चों 52(3) के अनुसार जिन कंपनियों को अपने वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार लेखा मानक के अनुसार तैयार करने होते हैं, वे कंपनियां प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को शोधनीय अधिमान अंशों अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम की राशि अपलिखित करने में प्रयुक्त नहीं कर सकती। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 की उपधारा 4 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी जिसको अपन सेबी कहते हैं बच्चों, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण पत्रों का शोधन प्रारंभ करने से पूर्व निर्गमित किए गए ऋण पत्रों पर कम से कम 25% के बराबर एक ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण करना आवश्यक होता है, अतः ऋण पत्रों की पूर्णता पूंजी में से शोधन करना संभव नहीं है, यानी बच्चों जितना शोधन कर रहे हैं उसकी 25% राशि आपको ऋण पत्र शोधन संचय खाते में ट्रांसफर करना जरूरी है, यानी नए कंपनी अधिनियम में ये लिख दिया गया है, सेबी की गाइडलाइन है कि आपको अपनी जितने ऋण पत्रों का शोधन करना है कंपनी को उसके 25% के बराबर राशि के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना जरूरी है। यदि ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से किया जा रहा है बच्चों तो लाभों में से किसी भी राशि को ऋण पत्र शोधन संचय में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। अब बात आती है लाभों में से शोधन, ये पढ़ा था बच्चों हमने, किस में से शोधन कर रहे थे हम, पूंजी में से। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं लाभों में से शोधन, ये हमने शोधन किया था बच्चों पूंजी में से, अब लाभों में से अगर आप शोधन करते हैं तो किस प्रकार जनरल प्रविष्टियां होंगी वो हमको आनी चाहिए, तो इसी क्रम में हम आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों सेकंड, लाभों में से शोधन। तो इसमें बच्चों अपन को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में एक राशि ट्रांसफर करनी होगी, उसके बाद शोधन करते हैं। ऋण पत्रों के शोधन के लिए प्रत्येक कंपनी को कंपनी अधिनियम की
धारा 71(4) के प्रावधानों का पालन करना होता है। इस धारा के प्रावधान 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हैं। ये धारा क्या बोलती है बच्चों? पहला है, यदि कंपनी इस अधिनियम को लागू होने के बाद ऋण पत्र जारी करती है तो उसे ऐसे ऋण पत्रों के शोधन के लिए ऋण पत्र शोधन संचय में से ऐसे लाभों में से जो लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध हैं। लाभांश वितरण के लिए कौन से लाभ होते हैं बच्चों? आयगत लाभ होते हैं, तो आयगत लाभों में से पर्याप्त राशि प्रतिवर्ष क्रेडिट करनी होगी और जब तक कि ऐसे ऋण पत्रों का शोधन ना हो जाए, यानी कंपनी को प्रतिवर्ष कुछ राशि डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफर करनी होगी बच्चों। दूसरा नियम आता है, ऋण पत्र शोधन संचय में जो राशि जमा की जाती है उसे ऋण पत्रों के शोधन हेतु ही काम में लिया जा सकता है। इस संचय में जमा राशि को कंपनी अन्य उद्देश्य से प्रयुक्त नहीं कर सकती। यानी इस लाइन का मतलब हुआ बच्चों कि जब कंपनी ने एक बार डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना दिया, यानी ऋण पत्र शोधन संचय में राशि हस्तांतरित कर दी, तो उस राशि का प्रयोग ऋण पत्रों के शोधन में ही किया जा सकता है, उसका प्रयोग अन्य स्थान पर नहीं कर सकते। तीसरा आता है बच्चों, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई शर्तों एवं नियमों के अनुसार कंपनी को उन ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करना होगा तथा ऋण पत्रों का शोधन करना होगा। यानी अगर बकाया ब्याज है तो बच्चों शोधन से पहले ब्याज का भुगतान करना आवश्यक होगा। ऋण पत्रों के शोधन के लिए सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देश, यानी सेबी ने कुछ दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं बच्चों, यानी कंपनी नियम 18(7) के अनुसार कंपनी ऋण पत्रों का शोधन के लिए ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार कर सकती है। पहला आता है बच्चों, इसमें ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण कंपनी लाभांश भुगतान हेतु लाभों में से कर सकती है, यानी आयगत लाभों में से इसकी व्यवस्था होगी बच्चों, क्योंकि अपन सब जानते हैं बच्चों पूंजीगत लाभों में से लाभांश नहीं दिया जाता, तो लाभांश के लिए जो लाभ उपलब्ध हैं उन लाभों में से ही व्यवस्था करनी होगी। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों इसमें बी पॉइंट, कंपनी निम्नलिखित परिस्थितियों में ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण कर सकती है। नंबर फर्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित सभी भारतीय वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकिंग कंपनियों द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों के लिए ऋण पत्र शोधन संचय के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। अन्य शब्दों में बैंकिंग कंपनीज को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बनाने की छूट मिली हुई है। तो देखिए बच्चों, जो बैंकिंग संस्थाएं हैं उनको अपने ऋण पत्रों के शोधन के लिए संचय बनाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड का सेकंड पॉइंट आता है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संशोधन अधिनियम 1997 की धारा 45(IA) के अनुसार RBI द्वारा नियंत्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए वर्तमान सेबी नियंत्रण 2008 के अनुसार सार्वजनिक रूप से निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की राशि के कम 25% लाभों में से ऋण पत्र शोधन संचय निर्माण करना अनिवार्य है, परंतु निजी रूप से निर्गमित ऋण पत्रों की दशा में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के निर्माण की अनिवार्यता नहीं है। यानी RBI के अधीन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं बच्चों उनको भी 25% का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। अतः कंपनी को ऋण पत्रों का शोधन प्रारंभ करने से पूर्व शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का कम से कम 25% लाभों में से ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण करना अनिवार्य है। तो कोई भी कंपनी जब ऋण पत्रों का शोधन करना चाहती हो बच्चों तो उसे अपने लाभों का 25% कितना प्रतिशत? 25% ऋण पत्र शोधन संचय में हस्तांतरित करेगा। इसका सी पॉइंट आता है बच्चों,
प्रत्येक कंपनी जिसके लिए ऋण पत्र शोधन संचय बनाना अनिवार्य है, वे अगले वर्ष 31 मार्च को देय होने वाले ऋण पत्रों की राशि का कम से कम 15% प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों या बॉन्डों में विनियोजित करेगी या अनुसूचित बैंक में जमा कराएगी। यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो आपने 25% संचय बनाया तो अगले वर्ष जितना आपको शोधन करना है, यानी जितनी डिबेंचर की राशि लौटानी है, उसका 15% आपको विनिर्दिष्ट का मतलब निर्धारित प्रतिभूतियों में जमा कराना पड़ेगा या अनुसूचित बैंकों में जमा कराना पड़ेगा। और ये राशि 31 मार्च तक शोधन होने वाले ऋण पत्रों के 15% से कम कभी भी नहीं होगी। इसी में अगला पॉइंट आता है बच्चों, ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण केवल गैर परिवर्तनीय एवं अस्थिर परिवर्तन ऋण पत्रों के केवल गैर परिवर्तनीय हिस्से के लिए ही करना अनिवार्य है। यानी अगर आप अन्य प्रतिभूति में बदल रहे हो तो बनाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, यानी अगर आप उसको अन्य प्रतिभूति में नहीं बदल रहे तो बनाना आवश्यक होता है। अगला आता है बच्चों इसी का ये पॉइंट, ऋण पत्र शोधन संचय में जमा की गई राशि का कंपनी द्वारा ऋण पत्रों के शोधन के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। जो आपको पूर्व में भी बताया था बच्चों, अभी अपन ने देखा कि जो ऋण पत्र शोधन संचय खाता है उसको कहीं अन्य यूज नहीं होगा बच्चों, उसका प्रयोग केवल ऋण पत्रों के शोधन के समय आएगा। ऐसा संचय कंपनी लाभ कमाने वाले वर्ष में बनाना प्रारंभ होगा और ऋण पत्रों के शेष रहे जीवन काल में बनाया जाएगा। और ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण केवल चालू वर्ष के लाभों से ही किया जाएगा, यानी हर साल के लाभों में से करेंगे। और ऋण पत्र शोधन संचय बोनस निर्गमन प्रस्ताव के लिए सामान्य संचय का ही भाग माना जाएगा। अनुसूचित थर्ड में अब लाभहानि नियोजन खाता हटा दिया गया है और लाभहानि की जगह बच्चों अब अपन स्टेटमेंट ऑफ P&L या रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं, जिससे अपन सरप्लस या डेफिसिट का ज्ञात करते हैं। अब आता है बच्चों इसकी जर्नल प्रविष्टियां कैसे करेंगे। यानी ये तो हमने इसकी थ्योरी पढ़ी बच्चों, लाभों में से शोधन की कुछ नियम है उनको आपको ध्यान रखना है। अब जर्नल प्रविष्टियां अगर अपन देखें बच्चों, जर्नल प्रविष्टि कैसे करेंगे, तो पहली पॉइंट आता है बच्चों शोधन संचय में प्रतिवर्ष, शोधन संचय में प्रतिवर्ष स्थानांतरण के लिए प्रविष्टि, यानी जब आप ट्रांसफर करेंगे बच्चों कहाँ से करेंगे, सरप्लस से, P&L की जगह सरप्लस यूज होता है बच्चों वर्ड, पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, सरप्लस से, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर टू DRR, इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो बच्चों, DRR मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यानी शोधन संचय में आप हर साल ट्रांसफर करेंगे बच्चों कहाँ से करेंगे, सरप्लस से, और किस खाते में डालेंगे बच्चों, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाएंगे आप। और विनियोग करने पर आपको बताया था बच्चों कितना परसेंट करना है, 15% अंकित मूल्य का जो शोधन करना है, तो आपको क्या करना है बच्चों, उसका 15% इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बच्चों
आपको इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, जानते हो पैसा यानी प्रतिभूतियों में विनियोग कर रहे हो कहीं पर, तो वो कहलाएगा बच्चों डिबेंचर, रिडेम्पशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड। तो देखिए बच्चों, जब अपन को इसके पैसे को अपन सबसे पहले व्यवस्था करी, हर साल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डाला और विनियोग करेंगे बेटा, उसको आपको बताया था विनियोग क्या करना है, विनिर्दिष्ट यानी निर्धारित प्रतिभूतियों में या अनुसूचित बैंक में, तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू बैंक पैसा जा रहा है तो इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब देखिए बच्चों, जब आवश्यकता पड़ेगी तो विनियोग को नकद में परिवर्तित करेंगे, यानी जब शोधन करेंगे तो विनियोग को नकद में परिवर्तित करने पर, यानी हम विनियोग को किसमें परिवर्तित करेंगे बच्चों, नकद में परिवर्तित करेंगे तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट को हम बेचेंगे बच्चों एक तरीके से, तो पैसा आएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। उसके बाद देखिए, जब समस्त ऋण पत्रों का शोधन हो जाएगा तो बच्चों हमको इस डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की भी जरूरत नहीं होती और इस राशि को सामान्य संचय में यानी जनरल रिजर्व में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कब करना है बच्चों? जब सारे ऋण पत्रों का शोधन हो जाए, यानी चौथी प्रविष्टि कब करेंगे, यानी समस्त ऋण पत्रों का शोधन पूर्ण होने पर राशि सामान्य संचय में हस्तांतरित करने पर, यानी जब सभी अंशों का शोधन हो जाएगा बच्चों डिबेंचरों का, यानी जब ऋण पत्रों का शोधन पूरा हो गया तो उस डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखोगे बच्चों? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसमें ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में, बीइंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा लाभों में से शोधन, और इसके लिए आपने एंट्रियां देखी बच्चों, किस प्रकार हम इनकी एंट्रियां करते हैं। तो देखिए बच्चों, लाभों में से शोधन होता है और शोधन की प्रविष्टि वही करेंगे बच्चों जो पहले आपको बताई थी पूंजी में से। बस यहाँ इतना ध्यान रखना है कि आपको लाभों में से शोधन होना है तो कुछ जनरल प्रविष्टि करनी पड़ेंगी बच्चों। शोधन के समय प्रतिवर्ष हस्तांतरण के लिए प्रविष्टि करेंगे बच्चों, और ये आपको बताया था बच्चों 25% राशि ट्रांसफर होगी कम से कम। तो क्या लिखेंगे बच्चों? सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस का मतलब पीएनएल से है बच्चों, जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ते आए हो, और कंपनी पीएनएल की जगह वर्ड यूज करती है सरप्लस,
तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यानी बीइंग अमाउंट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यानी आप DRR बोल सकते हो शॉर्ट में। फिर उस राशि को विनियोग करने पर, यानी 15% हमने आपको बताया था बच्चों, विनिर्दिष्ट या अनुसूचित बैंक में धनराशि जमा करानी होगी तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड। उसके बाद जब हमको शोधन करना होगा तो शोधन करेंगे तो बच्चों विनियोग को नगद में परिवर्तित करेंगे, तो विनियोग को नगद में परिवर्तित करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों, विनियोग आप सेल आउट करेंगे यानी विनियोग को इन कैश करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा, और इन्वेस्टमेंट जाएगा तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट समाप्त हो जाएगा। यानी विनियोग को नगद में परिवर्तित करने की क्या एंट्री बन गई बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। और जब समस्त ऋण पत्रों का शोधन पूर्ण हो जाए तो जो राशि आपकी बचेगी कौन सी वाली, शोधन कोष की, यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो फर्स्ट एंट्री में पैसा डाला था वो पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी सामान्य संचय में। और आप जानते हो बच्चों रिजर्व का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, तो हमको उसे बंद करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, डेबिट। तो हमने क्या किया एंट्री फोर्थ देखिए बच्चों, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, बीइंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यानी इस पैसे को कंपनी अब कहीं अन्य यूज में कर सकती है, लेकिन कब बच्चों, जब तक शोधन नहीं हो जाए, जब तक शोधन संचय का कहीं अन्य उपयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो ये थी हमारी लाभों में से शोधन की प्रविष्टियाँ। अब हम जो शोधन करते हैं बच्चों वो एक मुश्त भी कर सकते हैं और किस्तों में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट यानी शोधन कोष बनाकर एक मुश्त शोधन, यानी कंपनियां क्या करती है बच्चों, शोधन कोष बनाती हैं और उस शोधन कोष में से पैसे को इकट्ठा करते करते एक साथ इकट्ठा करने के बाद कर देती हैं। तो शोधन जो कोष होता है वो एक होता है बच्चों संचयी शोधन कोष, संचयी शोधन कोष। तो संचयी शोधन कोष क्या होता है बच्चों, संचयी का मतलब होता है कि जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पे ब्याज आया, उस ब्याज को वापस से विनियोग कर दिया, यानी ब्याज को हम क्या करते चले जाएंगे बच्चों, वापस से विनियोग करते चले जाएंगे जब तक हमको शोधन के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो इस शोधन के लिए बच्चों एक तालिका है, उस तालिका को आप देख सकते हैं, यानी उस तालिका में ये देखा जाता है बच्चों कि अगर हम आज एक रुपया जमा कराएं तो कितने साल तक कराएं और कितने प्रतिशत ब्याज पे कराएं तो हमें शोधन के बराबर देय राशि प्राप्त हो जाए। तो ये तालिका आपकी बुक में है तो उसे देख लें, यानी एक रुपये का वर्तमान मूल्य देखना होगा बच्चों कि कितने पैसे आज हम जमा कराएं वो ब्याज समेत मिलकर हमको जब शोधन की अवधि हो जाए यानी 5 साल या 10 साल बाद कितने रूप में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। तो संचयी शोधन कोष बनाते हैं तो इसमें कुछ प्रविष्टियाँ करते हैं बच्चों। तो पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी, प्रथम वर्ष के अंत में, यानी सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बच्चों जब हमने डिबेंचर इशू कर दिया और उसका एक साल पूरा हो गया, यानी खाते अंत में बंद कर रहे हैं 31 मार्च को, तो पहला आता है लाभ हानि या आधिक्य खाता बच्चों। लाभ हानि खाते से वार्षिक यानी हर साल जो राशि ट्रांसफर करनी है बच्चों, वार्षिक धनराशि को
अंतरित करने पर, यानी जो पीएनएल और आधिक्य बनाते हो बच्चों, तो उसमें से हम पैसा निकालेंगे तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, और किस में डालेंगे बच्चों, टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी लिख सकते हैं और बच्चों डिबेंचर सिंकिंग फंड भी लिख सकते हैं, बीइंग एनुअल अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। फिर इस राशि को क्या किया जाएगा बेटा, शोधन कोष में अंतरित राशि को विनियोजित करने पर, यानी शोधन कोष में जो राशि है उसको अंतरित करेंगे, विनियोजित करेंगे, तो हम लिखेंगे बच्चों डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टेड। तो देखिए बच्चों, संचयी शोधन कोष प्रथम वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में से ट्रांसफर करेंगे, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड बीइंग एनुअल अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड में, शोधन कोष में अंतरित राशि को विनियोजित करने पर डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बीइंग अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टेड। अब आता है बच्चों, ये तो प्रथम वर्ष के हुआ, प्रथम वर्ष में कितनी प्रविष्टि होंगी बच्चों, दो प्रविष्टि, उसके बाद प्रथम वर्ष के पश्चात अगले प्रत्येक वर्ष के अंत में, यानी फर्स्ट साल के बाद जब तक बच्चों, जब तक शोधन की अवधि पूरी नहीं हो जाए, जब तक पहला आएगा वार्षिक राशि अंतरित करने पर, अंतरित करेंगे तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, सरप्लस से निकालते हैं बच्चों, अभी आपने देखा, और कहाँ डालते हो, डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दीजिए बच्चों, बी अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, फिर गत वर्ष यानी पिछले वर्ष का विनियोग, यानी गत वर्ष के विनियोग पर ब्याज प्राप्त करने पर, ब्याज प्राप्त करें तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, इंटरेस्ट नहीं लिखना है बच्चों, कहीं आप ब्याज को ब्याज लिख दें तो उस ब्याज के पैसे को आपको डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना है, यानी बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यानी उस ब्याज को इंटरेस्ट ना लिख के उस इंटरेस्ट को किस खाते में जमा करना है बच्चों, डिबेंचर सिंकिंग फंड में। अब इस ब्याज को और वार्षिक राशि को जमा करा देंगे बच्चों, वार्षिक राशि
वह ब्याज को विनियोग करने पर, क्योंकि ये संचय ही है बेटा, संचय का मतलब समझ में आया कि वार्षिक राशि के साथ ब्याज भी विनियोग हो जाएगा, यानी ब्याज को भी अपन को इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो क्या लिखोगे बच्चों? डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जाएगा बच्चों तो टू बैंक। बी अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए बच्चों, पहले साल हम दो प्रविष्टि करेंगे। पहली प्रविष्टि हम करेंगे लाभ हानि खाते में से पहले साल व्यवस्था करने पर, तो क्या एंट्री लिखी बच्चों आपने? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। शोधन कोष में राशि हस्तांतरित करेंगे तो डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले साल दो एंट्री होंगी बच्चों, और आगामी वर्षों में तीन एंट्री होंगी, यानी वार्षिक जो राशि अंतरित करोगे वो तो सेम है बच्चों, सरप्लस टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। फिर ब्याज प्राप्त करेंगे विनियोग पर जो गत वर्ष हमने करा है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, यानी बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और इस ब्याज की राशि को और वार्षिक राशि को दोनों को मिलाकर जमा करा देंगे, तो क्या एंट्री लिखेंगे बच्चों? डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अब हमारा आता है बच्चों अंतिम वर्ष में, यानी शुरू के वर्ष में देखा, आगामी वर्षों में देखा, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? अंतिम वर्ष में प्रविष्टि क्या करेंगे? तो पहली एंट्री करेंगे बच्चों विनियोग, पर ब्याज की राशि प्राप्त होने पर ब्याज तो आएगा ही आएगा बच्चों, और ब्याज के लिए आपको बताया था बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन से खाते में डालोगे इंटरेस्ट की जगह? डिबेंचर सिंकिंग फंड में, यानी बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया बच्चों। फिर शोधन कोष में राशि भी हस्तांतरित करेंगे, वार्षिक राशि अंतरित करने पर, वो भी वही करोगे बच्चों जो पहले करते आए थे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यानी बीइंग या बीइंग डिबेंचर सिंकिंग फंड। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। उसके बाद विनियोग को बेचेंगे बच्चों, विनियोग का विक्रय करने पर, विनियोग बेचेंगे तो बच्चों पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अब विनियोग बेचोगे तो बच्चों दो बातें होंगी, या तो लाभ होगा या हानि। तो अगर विनियोग बेचने से लाभ होता है, विनियोग को बेचने से लाभ होने पर, तो लाभ होता है तो अपन लिखेंगे बच्चों डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर सिंकिंग फंड में डाल देंगे बच्चों, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और अगर मान लीजिए बच्चों हानि होती है विनियोग को बेचने से, हानि होने पर यानी विनियोग को बेचा और हमको क्या हो गई हो बच्चों, हानि हो गई हो, तो विनियोग को बेचने से हानि होती है तो हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, यानी बीइंग लॉस ट्रांसफर टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, लॉस में ट्रांसफर कर दिया बच्चों। अब दो एंट्रियां और करेंगे बच्चों, एक तो शोधन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऋण पत्रों का शोधन करने पर शोधन करेंगे तो पैसा लौटाएंगे बच्चों, डिबेंचर हमारे पास वापस आएगा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी प्रीमियम पे भी हो सकता है बेटा, उसी तरह व्यवस्था कर देंगे। और लास्ट में ऋण पत्र शोधन संचय को बंद करने पर, यानी जो अपन ने बनाया बच्चों, कौन सा बनाया था, डिबेंचर सिंकिंग फंड, क्रेडिट होता है बच्चों फंड का बैलेंस सारा कोषों का, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, यानी बीइंग डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट क्लोज। तो देखिए बच्चों ये प्रविष्टि हम करेंगे और आप इनका एक बार अभ्यास कर लें, आगे क्वेश्चंस किस तरह करेंगे वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे यानी अगली कक्षा में। आज हम इतना रखेंगे बच्चों, धन्यवाद।